तो दोस्तों आ गया हूं मैं फिर से एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं किसी स्मार्टफोन के नहीं दोस्तों, स्मार्टफोन के प्रोटेक्शन के बारे में। यानी कि दोस्तों आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं Asus Rog फोन 3 के स्क्रीन गार्ड के बारे में। एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो काफ़ी महंगा है, यानी कि दोस्तों आप समझ लीजिए कि 600 रुपये का स्क्रीन गार्ड इसके लिए मैंने इसको परचेस किया है। अब दोस्तों मैं देखूंगा कि इसकी वाकई में क्वालिटी कैसी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये ऑफिशियल ग्लास है इसी ROG फोन 3 के लिए, Asus की तरफ से आता है। इसको मैंने Flipkart से परचेस किया था 600 रुपीज का। दोस्तों अगर आपको परचेस करना रहेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको जरूर परचेस कर लीजिएगा अगर दोस्तों आपके पास Asus Zenfone Asus ROG फोन 3 है तो। दोस्तों अब चलिए इसकी एक कैजुअल सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि दोस्तों ये वाकई में कैसा ग्लास है। और इसको मैं दोस्तों आपको इस पे अप्लाई करने का भी तरीका एक वीडियो में अलग से बता कर दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं और दोस्तों देखते हैं कि ये अपनी प्राइस को वर्थ करता है कि नहीं। तो दोस्तों मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों अब इसे अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है Asus की तरफ से आने वाला ऑफिशियल स्क्रीन गार्ड जो दोस्तों आपको स्पेशली इस ROG फोन 3 के लिए देखने को मिलता है। और दोस्तों मेरे हिसाब से पहली बार किसी कंपनी ने, शायद ये Xiaomi के बाद दूसरी ऐसी कंपनी बन जाती है जो दोस्तों अपना ऑफिशियल एक टेम्पर्ड ग्लास लॉन्च करती है इंडिया में। और दोस्तों ये जो ROG फोन 3 है दोस्तों मैं इसको इसके स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही दोस्तों इस स्क्रीन गार्ड को खरीदा हूं। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि इस स्क्रीन गार्ड में ऐसा क्या खास है जो दोस्तों मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूं। एक्चुअली में दोस्तों आपने शायद ही यूट्यूब पर किसी को ऐसा मतलब टेम्पर ग्लास अनबॉक्स करते हुए देखा होगा, लेकिन दोस्तों इसमें लगे हैं मेरे 600 रुपये। 600 रुपये कोई बात नहीं दोस्तों, बट यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वह है दोस्तों इसका ऑफिशियल होना Asus की तरफ से। अब दोस्तों इसको Asus ने खुद ही ऑफिशियल लॉन्च किया है इंडिया में, तो दोस्तों एक बार तो इसको देखना बनता है कि दोस्तों इसमें आपको क्या कुछ खास देखने को मिलता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने यहां पर एक स्क्रीन गार्ड पहले से ही लगा दिया है, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता था कि मैं स्क्रीन को ख़राब करूं। इसलिए दोस्तों जैसे ही ये ख़राब हो जाएगा मैं इसको दोस्तों तुरंत से इससे रिप्लेस कर दूंगा। पर सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आया था इसके अंदर भर कर, ये दोस्तों मैंने इसके फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। अगर दोस्तों आपको भी परचेस करना रहेगा, आपके भी पास दोस्तों अगर Asus ROG फोन 3 है तो दोस्तों आप भी इस ग्लास को जाकर परचेस कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप पॉलीथीन को हटाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इसको ओपन करते ही आपको दोस्तों दो सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। अब एक सेक्शन में दोस्तों आपको रखा हुआ मिल जाता है एक यही स्क्रीन गार्ड, और दूसरे सेक्शन में दोस्तों हमको और क्या देखने को मिलता है, तो दोस्तों दूसरे सेक्शन में हमको देखने को मिल जाता है एक यही क्लीनिंग वाइप, और दूसरा है दोस्तों क्लीनिंग वाइप, यही एक वेट है और एक ड्राई है। बाकी दोस्तों और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो बस यही दोस्तों, यही 600 रुपये में बस आपको यही देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस ग्लास की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपको ग्लास कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। इसके जो दोस्तों आप बॉर्डर्स देख सकते हैं ऊपर नीचे, वो इसके हिसाब से तो ठीक है, बट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो साइड साइड के बेजल्स है दोस्तों लेफ्ट और राइट के, दोस्तों काफ़ी कम है। जो दोस्तों इस बात का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि दोस्तों ये बेस्ट स्क्रीन गार्ड है आपके Asus ROG फोन 3 के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहां पर कोई भी मतलब बगल बगल से फालतू के बॉर्डर्स देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले ही अपने Realme X पर एक टेम्पर ग्लास लगवाया, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्क्रीन है वो इस टेम्पर ग्लास से दोस्तों छुप गई है। तो मुझे यहाँ पर दोस्तों कुछ ये स्क्रीन गार्ड मज़ा नहीं आया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साइड साइड में बहुत ही मोटे मोटे बेजल्स दिए गए हैं, बट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कम बेजल्स दिए गए हैं। तो दोस्तों इसको आप आराम से जाकर परचेस कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2.5D ग्लास है, और जो मैंने दोस्तों ये लगवाया है ये दोस्तों है काम चलाऊ ग्लास, यानी कि दोस्तों ये बहुत ही पतला था, इसको आप कितना भी मोड़ेंगे टूटने वालों में से नहीं था, बट दोस्तों इसको मैं अगर मोड़ दूं तो ये पट से टूट जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये काम नहीं करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि स्क्रीन गार्ड को कैसे अपने फ़ोन पर अप्लाई किया जाता है, तो दोस्तों मैंने उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना ली है। बस दोस्तों आपके कमेंट का इंतज़ार है, जैसे ही आप कमेंट करेंगे बस दोस्तों मैं उस वीडियो को लाइक कर दूंगा। तो दोस्तों अब बस इंतज़ार है आपके इस वीडियो को लाइक करने का और दोस्तों आपके कमेंट्स का।
तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको इसी स्क्रीन गार्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ बहुत ही जल्द मिलने वाली है, तो दोस्तों उस लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों एक सरप्राइज़ और है कि मैंने दोस्तों ये एक काम चलाऊ सा बैक केस खरीद लिया था इसके लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा ये हम्प है दोस्तों उससे ये प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो कैमरा है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से दोस्तों मैंने इसको परचेस किया है।